डॉक्टर अनुष, आपसे मैं बात करूंगी। आप एक प्रोफेशन का हिस्सा हैं, एक ऐसे प्रोफेशन का जिसमें समझा जाता है कि मर्दों की इजारादारी है। क्या समझती हैं आप, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या देखा, क्या खवातीन, हम पढ़ी लिखी खवातीन और जो जॉब्स भी कर रही हैं, उनको हरासमेंट एक्सप्लोटेशन के मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, आई एग्री विद यू के वुमेन आर लेस इन नंबर इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ, आप अगर बात करें तो हर डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ इसी तरह है कि जो ख्वातीन का नंबर है वो कम है। लेकिन आप ये देखिए, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, इवन मेल्स के लिए भी है। अगर आप कॉम्पिटिशन में आगे नहीं बढ़ते, अपने आप को प्रूव नहीं करते, तो देन यू लैग बिहाइंड। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑलमोस्ट कमांडिंग 600 पीपल राइट नाउ। अगर वो इफ़ दे सी मी एज अ मेंटोर कि ओके, व्हेन दे सी कि हमारी मैडम काम कर रही हैं, अगर ये हमारे साथ फील्ड में जा रही हैं, अगर हमारे साथ ये कॉमिक ऑपरेशन कर रही हैं, तो वाई वुडेंट दे, एवरीबडी वुड नो कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इट्स जस्ट अबाउट योर ओन कमिटमेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम सीइंग ऑपरेशंस, आई एम सीइंग इन्वेस्टिगेशन, आई एम सीइंग लॉ एंड ऑर्डर। सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट, एंड इट इज़ नॉट फॉर ओनली फीमेल, इट्स फॉर एवरी मैन एंड फीमेल, दोनों के लिए ये है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको हर्डल्स आती भी हैं, इसको एक अपना वो नहीं बना लेना चाहिए कि जी मैं फीमेल हूँ और मैं, मुझे हरास किया जाएगा, ये होगा, डजंट हैपन। अगर आप ये मेंटल ब्लॉक अपना, ये मेंटल बैरियर हटा दें, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। आप लाइफ में यू कैन एक्सेल वेरी इजीली।